और धन वर्षा पोटली की आज हम मेनली बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको लेनी है धन वर्षा पोटली के लिए, वो लेना है लघु नारियल। जी हाँ, लघु नारियल आपको पूजा स्टोर से इजीली अवेलेबल। लघु नारियल यानी सूखा नारियल होता है क्या? नहीं, लघु नारियल बहुत छोटा सा, इतने छोटे छोटे नारियल होते हैं। अच्छा, ये जो नारियल होते हैं ये लक्ष्मी पोटली के लिए ही बनते हैं। तो आज हम अपने सीक्रेट्स बताने वाले हैं, ठीक है? तो लघु नारियल अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, वो इतने छोटे छोटे से नारियल होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको चाहिए प्रमोशन और आप चाहते हैं कि भाई हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, तो आप इस पोटली को यूज़ करें। तो हम पहले पोटली के इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या डलता है। इसमें पांच चीज़ें डलती हैं। पहला चीज़ है लघु नारियल, दूसरी चीज़ है 11 गोमती चक्र, ये भी आपको मार्केट में पूजा स्टोर से मिल जाते हैं। बस गोमती चक्र आप देख के लें कि वो टूटे फूटे ना हो, कट ना पड़ा हो, तो 11 गोमती चक्र लेने हैं। तीसरी चीज़ है आपको काली हल्दी लेनी है। जैसे आपने सुना होगा पीली हल्दी होती है, वैसे काली हल्दी भी होती है। काली हल्दी जिसको अंबा हल्दी कहते हैं, वही है क्या? अंबा हल्दी का तो मुझे नहीं पता। काली हल्दी मांगने से मिल जाएगा। हाँ जी, काली हल्दी मांगने से मिल जाएगा। और उसका एक ही आपको स्टेम लेना है, मतलब पूरा एक ही लेना है, बहुत सारे नहीं लेने। इसके साथ आपको लेना है लक्ष्मी शंख। शंख भी बहुत प्रकार के आते हैं, गणेश शंख होता है, दक्षिणावर्ती शंख होता है, ऐसे ही आता है एक लक्ष्मी शंख, तो एक आप लक्ष्मी शंख ले लीजिए। और पांचवी जो चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है कुबेर यंत्र। अच्छा। कुबेर यंत्र लेके आप इसको एक पोटली बना लीजिए और आपने अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह बैठ जाना है इसको चार्ज करने के लिए। अब आपको पोटली लाल कपड़े में बनानी, लाल कपड़े में बनानी है। अच्छा, उसको फिर बांध दीजिए। उसको बांधना है। तो इसको अब चार्ज कैसे करना है, एनर्जाइज कैसे करना है, इसको आपने मंत्रों द्वारा इसको एनर्जाइज करना है। कोई भी मंत्र जिसके साथ आप कनेक्शन फील करते हैं, वो गायत्री मंत्र भी हो सकता है, वो लक्ष्मी जी का मंत्र भी हो सकता है, वो हनुमान जी का भी कोई मंत्र हो सकता है, तो किसी भी एक मंत्र को आपने 51 बार जपना है और पोटली को अपने हाथ में रखना है ताकि वो एनर्जाइज हो, उसके अंदर वो वाइब्रेशंस। यानी बाएं हाथ पे रख के दाहिने हाथ से उसको रखना है और 51 बार मंत्र पढ़ना है, मंत्र का जाप करना है। और आप देखेंगे कि इस पोटली ने पूरा साल आपको इतना ज़्यादा धन बरसाना है कि आपको खुद लगेगा कि हम हर साल अक्षय तृतीया पे उपाय करें।